Movements across cell membranes, osmosis. First, the contents, definition of osmosis, osmotic pressure, hyperosmotic environment, isosmotic environment, hypoosmotic environment, and role of osmosis in the cells. So, first, the definition of osmosis. Osmosis is basically the movement of water molecules. थ्रू सेमी membrane, so from हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन अगर मैं सिम्पली इसको डिफाइन करना चाहूँ तो यूँ कहूँगा कि एक दो कंपार्टमेंट्स हैं इसके दरमियान एक सेमी permeable membrane है तो जहाँ वाटर मालिक्यूल की कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो हाई कंसनट्रेशन से लो कन्सनट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर मालिक्यूल्स और दरमियान में जब सेमी परमिएबल ममब्रेन अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे इट इज़ द ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्चुअली द प्रेशर विच रेजिस्ट द इन फ्लो ऑफ वाटर मालिक्यूल्स आमतौर पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर ये बेसिकली द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मीन वाटर मालिक्यूल्स इसको हम डायग्रामेटिकली मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऑस्मेटिक प्रेशर आपके पास ये दो कंपार्टमेंट्स हैं कंपार्टमेंट नंबर वन के अंदर वाटर मालिक्यूल ज्यादा हैं जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कम हैं कंपार्टमेंट नंबर टू के अंदर आपको वाटर मालिक्यूल्स जो है वो किन सब सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका नंबर ज्यादा नजर आ रहा है तो इट मीन सिंपली वाटर हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा जैसे कि आप इस एरो की मदद से देख सकते हैं अब जो कंपार्टमेंट है उसकी एक स्पेसिफिक डायमेंशन है जब वाटर इधर मूव करेगा वाट विल हैपन कि वाटर का लेवल यहाँ इंक्रीज कर जाएगा जिसकी वजह से जब वाटर कॉलम ज़्यादा होगा तो इट विल एग्जर्ट प्रेशर तो इससे क्या होगा कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे ये क्या है कि यह? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है यानी अगर मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा कहता हूँ कि जब किसी कंपार्टमेंट की एक स्पेसिफिक डायमेंशन के अंदर वाटर मालिकुल एंटर होते हैं तो उस कंपार्टमेंट में जब वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से वाटर का प्रेशर जो होता है वो बढ़ बढ़ जाता है यानी कि मालिकल्स का प्रेशर जहाँ ज़्यादा हो जाता है अब वो नए आने वाले मालिकूल्स को इस पहले से मौजूद वाटर के प्रेशर को फेस करना पड़ेगा तो जो पहले से मौजूद वाटर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ठीक है ताकि नए आने वाले मालिक्यूल्स को रोका जा सके उसको हम क्या कहेंगे इट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर है ये इन सिंपल वर्ड्स कि जहाँ सोल्यूड कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ वाटर मालिक्यूल ज़्यादा चले जाते हैं और उससे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है तो स्टूडेंट्स अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो किसी भी जगह पर तीन तरह में से तीन में से कोई एक ऑस्मोटिक कंडीशन जो है एग्जिस्ट करेगी द सबसे फर्स्ट वन जो है दैट इज़ द हाइपर ऑसमोटिक कंडीशन हाइपर ऑसमोटिक कंडीशन एक ऐसी है जिसमें ख़ास कंटेनर के अंदर या ख़ास इन्वायरमेंट में सोल्यूड कंसनट्रेशन ज़्यादा है जबकि जो उसके साथ दूसरा कंपार्टमेंट है या आउटर कंपार्टमेंट है उसका सोल्यूड कन्सन्ट्रेशन कम है तो जहाँ सोल्यूड कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ ऑटोमेटिकली वाटर के मालिकल्स का इनफ्लो ज़्यादा होगा और एक हाइपर जो वो ऑस्मोटिक कंडीशन जनरेट हो जाएगी वहाँ तो हम सिंपल कह सकते हैं हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन कब प्रोड्यूस होती है जब एक सेल के अंदर कंसनट्रेटेड मटेरियल मौजूद है जबकि सेल से बाहर जो है वो डाइल्यूट मटेरियल है तो जहाँ कंसनट्रेटेड मटेरियल मौजूद है कंसनट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूट की वहाँ हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं इसकी एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि अगर आप एक सेल लेते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं या कोई और सेल्स हैं उसका प्योर वाटर में रख देते हैं अब सेल के अंदर सोल्यूड कंसनट्रेशन ज्यादा है जबकि प्योर वाटर के अंदर सोल्यूड कंसनट्रेशन बहुत कम है तो सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको हम कहेंगे इट इज हाइपर ऑस्मोटिक ये क्या है हमारे पास हाइपर ऑस्मोटिक है आइसो ऑसमोटिक कंडीशन आइसो का मतलब होता है सेम कि आइसो ऑस्मोटिक कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या हो कि सेम जो है वो ऑस्मोटिक कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं सोल्यूड कंसनट्रेशन सेम है अच्छा इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल में अगर आप तो जो मेरीन एनिमल्स हैं स्पेशली कुछ मेरीन इनिवर्टिब्रेड्स हैं अब जो मेरीन वाटर है ओशन्स का जो वाटर है वो आपको पता है वो उसकी जो साल्ट कंसनट्रेशन है बहुत हा साल्टी सॉल्टी वाटर है थ्री पॉइंट फाइव परसेंट से भी ज़्यादा साल्ट उसमें पाए जाते हैं अब जो ओशनस के अंदर रहने वाले सिंपल बहुत सारे ऑर्गज़्म है वो क्या करते हैं अपने सेल्स के अंदर भी उतनी ही कंसनट्रेशन में साल्ट जमा कर लेते हैं अब जो ओशन का वाटर है जो मेरीन वाटर है उसकी साल्ट कंसनट्रेशन भी वही है और एनिमल के सेल्स के अंदर भी साल्ट कंसनट्रेशन वही है अब ये दोनों कंडीशन क्या कहलाएंगे दे आर दी आइसो ऑसमोटिक है आइसो ऑसमोटिक कंडीशन में एनिमल को जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वाटर लॉस नहीं होता है ना ही वाटर जब उनके अंदर एंटर होगा ना ही वहाँ से एग्जिट होगा तो वाटर लॉस से उससे बचने के लिए एनिमल एनिमल्स जो होते हैं वो स्पेशली मरीन एनिमल्स क्या करते हैं दे है प्रोड्यूस आइसो ऑसमोटिक कंडीशनस third type of osmotic environment that is the hypoosmotic condition hypoosmotic means ke jo specific cells hai uske andar solute concentration kam hai jabki bahar solute concentration kya hai zyada hai jaise hamare paas ek red blood cells hain cells ko hum ek ithai salty water ke andar rakh dete hain अब cells का जो internal environment है उसमें solute concentration कम है जबकि जो बाहर salty environment है साल्ट वाटर है उसके अंदर साल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज्यादा है तो सेल के अंदर सोल्यूड कंसंट्रेशन कम बाहर सोल्यूड कंसनट्रेशन ज्यादा है अब सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको हम क्या कहेंगे इट इज द हाइपो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट है तो इसमें क्या होगा कि यानी कि सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट विल बी द हाइपो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट तो वट इज द रोल ऑफ ऑस्मोसिस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑस्मोसिस इज हैविंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बहुत सारे मटेरियल्स जो सेल में के अंदर एंटर होने हैं उसमें ऑस्मोसिस जो है इट इज़ प्लेइंग वाइटल रोल इसमें जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड मटेरियल्स हैं दे आर एब्ज़ॉर्ब बाय द बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है एब्जॉर्ब किए जाते हैं इसके अलावा हमारा जो ब्लड है इसका भी ख़ास एक ऑस्मोटिक प्रेशर मौजूद है हमारे ब्लड का वैसे मैं अगर बात करूँ तो जो ब्लड का क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेनटेन रखने के अंदर बहुत सारे प्रोटीन जो है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है एल्बीमिन हमारे ब्लड के अंदर वाटर के खास अमाउंट को क्या करती है कंट्रोल करती है तो इस तरह से आप टेक्स हैं या इसके अलावा साल्ट टेक जो है वो जो साल्ट और न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिय टेकन अप बाय द विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस या ऑस्मोसिस के थ्रू बेसिकली वो आपटेक किया जाता है उनको